हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज़रूर हों। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होने का मतलब कतई यही नहीं है कि आप किसी के हस्बैंड और वाइफ ही हों। आप सिंगल होते हुए भी किसी मैरिड पर्सन से कमिटेड हो सकते हैं, आप डिवोर्सी या सेपरेटेड होते हुए भी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे, आप सिंगल होंगे यानी कि आप किसी के साथ भी कमिटेड नहीं है, और आपकी डीलिंग किसी मैरिड इंसान से हो रही होगी, मर्द से या औरत से। ठीक है, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर दीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग मैं कर रही हूँ, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। सेल्फ डिनायल और सेल्फ रिग्रेट मोड चल रहा है इस वक्त रिलेशनशिप में। कोई शायद आप दोनों को इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आते हुए नहीं पता था कि आप दोनों ही जो हैं वो एक सेल्फ रियलाइजेशन मोड में चले जाएंगे। एकदम से निकलते हैं, एकदम से वापस आ जाते हैं। जब निकल रहे होते हैं, निकलने से पहले बिल्कुल माइंड आपका रेडी होता है। लेट मी सी, यहाँ पर ये एट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिटी तो है मुझे, बट एक और नाइट ऑफ वांड्स। ठीक है, आपको अभी मैं बात कंप्लीट कर रही थी, ये बात खुद ब खुद आ गई है। पहले साइंस बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा। ठीक है, एक बहुत क्विक रियलाइजेशन मोड आपका आ गया है। शायद किसी ने किसी को कमिटमेंट दी, बड़े दिल से दी। ठीक है, इस वक्त जो मैं आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग चेक एनर्जी चेक कर रही हूँ, किसी ने किसी को कमिटमेंट दी और बहुत फ्रीक्वेंट इन एंड आउट रहा, लेकिन शुरू शुरू में उस इन एंड आउट में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहा और कंसिस्टेंसी में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं हुई, तो किसी ने लिटरली जाने का फ़ैसला किया। जाने का फ़ैसला जब किया तब तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही जाने लगे फिर पलट कर आ जाना। जब वापस पलटना तो फिर एक दूसरे के साथ रहते हुए एक बहुत ही बहुत कंटेम्पलेट करके डिसीजन लेना कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, हम क्या करें। मतलब आप दोनों एक दूसरे को रिग्रेट नहीं कर रहे, आप दोनों एक दूसरे के हालात को, सिचुएशन को, सरकमस्टांसिस को रिग्रेट कर रहे हैं। रिग्रेट से ज़्यादा आप लोग फैसला लेने की पोजिशन में नहीं है इस वक्त। आप लोगों की एनर्जी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जो लोग हैं, कोई मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है, यानी कि वो इस चुंगल से निकलना भी चाहता है और उस चुंगल से निकल भी नहीं पा रहा। यानी ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हो गया है कि करे तो क्या करे। लिटरली आपको शायद आपको डिप्रेशन से ज़्यादा ट्रॉमेटिक बूम्स आते हैं, ट्रॉमेटिक आपको फीलिंग्स आती हैं कि कहाँ आकर फंस गए हैं। सीक्रेटिव रखा हुआ है किसी ने आपको, ऑफिशियल नहीं किया है। डेफिनेटली ऑफिशियल करना तो खैर रिस्क भी होता है, लेकिन बुनियादी कुछ बेस जो है वो सही नहीं लग रही। इस वक्त आपने बहुत हेल्पलेस होकर तमाम चीज़ें छोड़ दी हैं डिवाइन पर कि मुझसे फ़ैसला नहीं हो रहा, मुझे कन्फ्यूजन, मुझे खौफ नज़र आ रहा है जो मैं देख सकती हूँ। कोई जाने का फैसला करता है, जा नहीं पाता, डर रहा है कि अंदाज़ा नहीं था कि इस बुरी तरीके से फंस जाएंगे। नॉट अ गुड रीडिंग आई मस्ट से। लेट्स सी, ऐसा भी लग रहा है कि आप इस चीज़ से निकल चुके हैं, लेकिन आपको आपकी भड़ास नहीं निकली,
कि आप जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहे और आपकी चीज़ों को मुकम्मल कर देने की भड़ास नहीं निकली। आपने आपको अब ये भी एहसास होता है कि क्यों अलाउ किया मैंने कि मैं मेरी लाइफ में इन एंड आउट करो, जब आना चाहो आओ, जब जाना जाओ चले जाओ, और फिर ऐसे चले जाओ कि फिर पलट के ही ना पूछो। और अब मुझको बिल्कुल ऐसा कोडिपेंडेंट बना दिया कि मेरे दिमाग से ये चीज़ें नहीं निकलती। आई कैन लिटरली रीड दिस कि कोई ये लिटरली कह रहा है कि मेरे दिमाग से ये चीज़ें नहीं निकलती। ट्रू। टू ऑफ कॉइन्स, सी कन्फ्यूजन, एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। इवन सिमिलर एनर्जी आपके पार्टनर को भी है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कन्फ्यूजन है। और दो चीज़ों में, जाहिर बात है जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो दो सिचुएशन में और दो लोगों में तो परेशानी होगी ही। ये जो भी पर्सनैलिटी है या जो भी आपके पार्टनर हैं गुस्से में हैं, आप गुस्से में हैं, ये गुस्से में हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कंट्रोल किया हुआ है आपको, निकलने नहीं देते हैं। ज़रा सा भी आप कमिटमेंट की बात करते होंगे तो ये फौरन आपसे झगड़े शुरू कर देते होंगे, लड़ाइयाँ होने लगती होंगी, चीखना चिल्लाना, अच्छे नोट पे एनर्जी नज़र नहीं आ रही। नाइट ऑफ सोर्ड्स विद द एम्परर, अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को बहुत यूज़ करना, अपने ओहदे को, अपनी उम्र को, अपने बिहेवियर को, अपनी चीखने चिल्लाने की आदत को, हावी होने की आदत को बहुत यूज़ करना, और आपको हमेशा एक कन्फ्यूजन में डाल देना विद द टू ऑफ कॉइन्स। लेट्स सी इन्होंने आपको क्या ट्रीट किया है। दीज आर एडल्ट कार्ड्स बट मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कर रही हूँ तो फिर तो सब समझदार ही हैं। इन्होंने आपको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी का ट्रीटमेंट क्या हुआ है। ये इसी डेक का जो है बैकग्राउंड है। द फीलिंग्स ऑफ एन अवेकेंड हार्ट, आई थिंक आपने अपने दिल की बात खोल कर इनको बताई है कि व्हाट डू यू एक्चुअली वांट। तो उसमें जब कभी भी आप इनको कह देते हैं ना कि भाई विद द जस्टिस कार्ड भी ये क्लियर है बात कि डू समथिंग, आई मीन मेक इट ऑफिशियल, आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस, तो ये फिर इनका ये आता है। इन्होंने आपको कुछ इस तरह का ट्रीट किया है। लेट मी सी और देखते हैं। आप बड़े सबमिसिव हैं। सबमिसिव का मतलब कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए भी आपका और इनका जो रिलेशनशिप है वो फिज़िकल इंटीमेसी में होते हुए भी मतलब आप सब कुछ आप लोग करते हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बात करूँ, सब कुछ आप लोग करते हैं, लेकिन जो आपकी पर्सनालिटी की डिसेंसी है ना, एक बहुत ही तासुर रखने वाली फीलिंग, कभी कभी आपके पर्सन को ये भी एहसास होता है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, बिकॉज आप ये सब कुछ उनके साथ करने को तैयार हैं अगर वो आपको कोई ऑफिशियल कमिटमेंट भी दे तो। एक मैं इस वक्त देखें जो एनर्जी आ रही है ना, मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड में आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन आपको अपना ही आप ना कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है। आपको लगता है कि जैसे सब आपको देख रहे हैं। ये जो नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, आपको बहुत, मैंने कहा था ना ये रीडिंग सेल्फ रियलाइजेशन बेस्ड है, आपको बहुत ये फील होता है कि मुझे फिर सभी ये समझते होंगे, मुझे शायद सभी ये देखते होंगे, या तो ये आपके पर्सन की थिंकिंग है जिसकी वजह से वो वॉक अवे का प्लान कर रहे हैं, या फिर ये आपकी सोच है कि यू नो द नेकेड सेल्फ। आपने इनको समझा कुछ था
और ये निकले भी कुछ और हैं. मैं आपको अगर मैं क्योंकि आई एम रीडिंग द कार्ड आई कांट शो यू बट भरोसा जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी का बड़ा शेकअप हुआ है. भरोसा यू नो जैसे होते हैं ना लोग एक बड़े डिफरेंट गेटअप में मिलते हैं आपसे और जब वो उनकी जब वो रियल उसमें आते हैं ना कि जैसे एक नॉर्मल औरत और एक नॉर्मल मर्द जब अपने रियल एक्टिविटीज़ में आता है तो वो मतलब उसका स्टैंडर्ड ही एकदम से गिर जाता है. तो आपको अब ऐसा लगता है कि मैं कहाँ क्या करूँ, मैं किस तरीके से ये बात बावर कराऊँ कि मुझको ये सब कुछ सही नहीं लगता, मुझे कुछ कुछ ऑफिशियल चाहिए बट वो हो नहीं रहा है. ठीक है, हैवी, इट्स रियली हैवी. अब कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में रहकर उकताहट है, कुछ लोगों को लग रहा है कि यार ये तो गलत फंस गए, और जिसके साथ आप फंसे हैं ना उसको बंदा या बंदी मिला बड़ा मुश्किल से, तो उसकी तो लॉटरी लग गई, तो उसने तो ये कह दिया कि मैंने तो नहीं जान देना. काफ़ी घेराव जो है वो तंग किया हुआ है. आज की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग जो है वो कोई लवी डवी रीडिंग नहीं है. लेट्स सी द सोल ट्रुथ, सच्चाई क्या है इसकी. सी मैंने कहा था कि आप सच्चाई क्या है इस रिलेशनशिप की और इस एनर्जी की, यही आ गया कि मेरी रूह चाहती क्या है. यहाँ पर आप देखें, टू वेयर डज माई सोल वॉन्ट टू ट्रैवल, एम आई लेटिंग फियर स्टॉप मी, क्या मैं खौफ को रोक रहा हूँ या रोक रही हूँ अपनी तरफ. एक खौफ है आपके अंदर, हिम्मत कीजिए. एक खौफ को सबसे पहले सेलेक्ट करें कि अगर मैंने ये खौफ फेस कर लिया तो शायद मैं दूसरा कर सकूं. यू नीड अ ब्रेक बिकॉज आप शायद बहुत ज़्यादा एक अजीबोगरीब से एडिक्टिव रिलेशनशिप में हैं, तो आपको ब्रेक की ज़रूरत है. मैं टैरो से ही देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ. एनर्जी बहुत हैवी आई है आज जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, और आई थिंक नाउ यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट. टू ऑफ कप्स, क्या करना चाहिए आपको. फेथ, सेवन ऑफ वांड्स. अपने दिल की बात कहने में डरिए मत. अगर आपको ऑफिशियल यूनियन नहीं मिल रहा तो यकीन करें, फेथ रखें अपने ऊपर और अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ें. क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैकस्टैबिंग हो जाएगी, आपको लगेगा कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी ने मुझको धोखा दे दिया. तो होने दें, अभी नहीं होगा, थोड़े दिनों बाद खुद सामने आ जाएगी ये बात. टेन ऑफ सॉर्ड्स की, तो बेहतर है कि आप अपने हक की बात बोल दें, अपने हक के लिए लड़ें और अपने ऊपर भरोसा करें. यूनियन में जिस चीज़ ने आना है हो जाएगा, लेकिन आपको धोखा मिलेगा. इस एंजाइटी से निकलने के लिए सिर्फ एक वर्ड है, करेज. हिम्मत करें और कर जाइए. ठीक है, ये आप लोगों की रीडिंग थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में. बहुत हैवी रीडिंग है. पीपल आर नॉट इन गुड एनर्जी, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है दे आर नॉट इन गुड एनर्जी. ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय.